वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गुड मॉर्निंग, आशा करता हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और मस्त होंगे। चलिए हम आज का व्लॉग अपना स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज का व्लॉग फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं और चलते हैं व्लॉग बनाते हैं। आप हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो लास्ट तक देखें क्या होता है। दोस्तों आप हमारी वीडियो को पूरी नहीं देखते, बस थोड़ी देखी और कमेंट किया, बस कट कर दिया, पूरी देखा करो। तो आज अभी बारिश, अभी फिलहाल में बारिश अभी पड़ रही थी, अब रुक चुकी है। आप देख सकते हैं सब में पानी भरा हुआ है और नीचे बहुत सारी कीच हो चुकी है। तो आप बने रहिए हमारी वीडियो में। चलते हैं, ये देखिए धान है, नीचे जानते ही क्या है। ये एक बहुत बड़ी हुई है मेहनता की, यानी मेहनता की बहुत बड़ी हुई है। जब अभी इसकी पौध पीली हुई है, फिर इसकी जड़ लेकर के ये खेतों में रखा जाए। फिलहाल तो अभी इसकी पौध हमारा खेत आगे है, इससे आगे हमें जो खेत उसमें पूर्द बैल हुए हैं। बहुत ज़्यादा अभी बारिश रुकी है ना, तो बारिश रुकते ही मैं ब्लॉग स्टार्ट कर दिया हूँ। अभी फिलहाल में तो हमारे यहाँ धान लगे हुए हैं, तो धान की खेती धान और किसी की खेती नहीं होती है। धूप नहीं निकली हुई है और बादल छाए हुए हैं, इतने बादल छाए हुए हैं। बारिश पता ना कितने खंड कितने पड़ने लगे। और ये देखिए धानों में लगाया है, धानों को पैदावार लगाने के लिए। रास्ते में बहुत कीच हो चुकी है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि जो वीडियो हम अपलोड करेंगे वो आपको आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब। और कमेंट जरूर करें और लाइक कर दिया करें भाइयों, हमें अच्छा लगता है। तो आगे कुछ अभी फ़िलहाल कोई हार में मतलब जंगल में कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ अकेला। तो कहीं भी कोई नहीं है, बारिश पड़ के रुकी है। तो मैंने सोचा वहाँ देखिए, आप देख पा रहे हैं, ये देखिए ये जंगली जानवर हैं,
गीदड़, इनसे गीदड़ कहते हैं, सिरकटा कहते हैं। ये रात में बहुत अच्छा सॉन्ग सुनाते हैं। कभी रात में मैं आऊँगा तो आपको सुनाऊँगा इनका सॉन्ग। मैं रात में भी आता रहता हूँ हार में पानी लगाने के लिए खेतों में, रातों रात रात में भी। तो मैं रात में इनकी आवाज़ सुनवाऊँगा आपको। ये देखिए, ये और है मेंता की पौध जो यहाँ पड़ी हुई है खेत में। तो ये अभी फ़िलहाल पौध है, फिर इसमें जड़ उखाड़ कर इसकी तो इसको खेतों में लगाया जाएगा। हम अपने धानों पे चलते हैं और उसमें हमने उस दिन पानी लगाया था, तो पानी लगाने के बाद बारिश पड़ी रही है, पड़ी रही है, रुक नहीं रही है। चलिए कोई बात नहीं है, पानी तो लग गया, धानों में कोई नुकसान नहीं होगा। पानी लगने से भी और बारिश पड़ने से भी कोई नुकसान नहीं, ओनली फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो हमने उसमें एक दवा लगाई थी, तो वो देखेंगे जाकर घास जलने की, तो घास जली है या नहीं जली है। तो आपको दिखाते हैं कि उस खेत में हमारे में घास जली है या नहीं। तो हम अपने खेत में फटाफट से पहुंच जाते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखिए भाई, बादल छाए हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा बादल छाए हैं। कितने भी सूर्य नहीं निकल पा रहे हैं, वैसे सूर्य निकलने का टाइम हो चुका है फिर भी सूर्य नहीं निकल। और मैंने आपको ये नहीं बताया कि ये मेंथा प्लांट है जो बहुत पड़ी हुई थी मेंथा की, वही इसमें उसकी फसल होने के बाद इसमें ही पिरता है और उसका तेल निकलता है। ये फ़िलहाल हमारी नहीं है, हमारे ताऊ की है, कोई बात नहीं है। तो हम अपने धानों पर आ चुके हैं और इसमें दिखाते हैं घास, घास जो जली है या नहीं, ने दवा लगाई थी। तो फिलहाल तो इसमें पानी नहीं है बिल्कुल, और घास तो जल चुकी है शायद, ये घास पीली पड़ चुकी है, मतलब जल चुकी है, ये पीली पड़ चुकी है और जल चुकी है। ये देखिए, ये जल चुकी है घास बिल्कुल, अभी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। ये देखिए, ये जल चुकी है, ये जल चुकी है। तो इसमें घास बहुत ज़्यादा थी तो हमने इसे दवा लगा दी इसमें। और ये है हमारी मेंथा की पौध, थोड़ी ख़राब हो चुकी है पानी से, तो ये सही हो जाएगी धीरे धीरे इसमें। और ये भी हमारी मेंथा की, ये देखिए मेंथा का पेड़ ऐसा होता है, इसमें खुशबू बहुत अच्छी मालती है सर्दी जुकाम में। यानी आपने विकस लगाया होगा उसमें, ऐसी विकस में ये पड़ता है ना, विकस की खुशबू और इसकी खुशबू एक है बिल्कुल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर देना और बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना, और भाई सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना जिससे कि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। और शायद बारिश आ चुकी है, बारिश आ चुकी है, तो मैं आपका फ्रेंड राजेश कुमार, चलिए मैं आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करता हूँ और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब।